तो टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ अ बॉल इन द नेक ऑफ एयर चैम्बर। तो क्या किया, ये एक पूरा वी वॉल्यूम का चैम्बर लिया, इसमें एयर का वॉल्यूम कितना है वी, एयर का वॉल्यूम वी। एक बॉल ली, ये बॉल यहां पर थी और ये टोटल वॉल्यूम वी था नीचे एयर का। आपने क्या किया, बॉल को नीचे दबा दिया या पुश कर दिया, इतना पुश किया वाई, यहां की सारी हवा अंदर चली गई, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया एयर का कितना डेल्टा वी, मतलब एयर का वॉल्यूम तो वी था पर यहां यहां का वॉल्यूम वी है नीचे का। तो आपने इसको नीचे प्रेस किया, तो अगर एरिया ए है और ये डिस्टेंस वाई है तो वॉल्यूम कितना एयर का यहां पर ए इंटू वाई, तो आपने ए इंटू वाई को नीचे पुश कर दिया, तो नीचे की एयर कंप्रेस हो गई, दब गई। जब कोई भी गैस कंप्रेस होती है या लिक्विड कंप्रेस होता है तो एप्लीकेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस आता है। तो ये इलास्टिक मटेरियल है, मींस एयर इलास्टिक होती है, तो आपको जब आपने इसको रिलीज किया छोड़ दिया, तो एयर ने उठा के प्रेशर लगाया और उठा के बॉल को ऊपर फेंका, ऐसा थोड़ी ना आप दबाओगे एयर तो लगाएगी, तो एयर ने ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर आई लेकिन एकदम रुकेगी नहीं ना, बॉल थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर वेट इसको थोड़ा सा नीचे गिर, तो ये ना अपनी पोजीशन मेन पोजीशन पे हल्की हल्की ऑसिलेट करेगी। प्रूव करो ये SHM है, और अगर ये SHM है तो इसका टाइम पीरियड भी निकालो बॉल का क्या होगा। हालांकि ये बहुत बड़ा वाई दिखाया हुआ है लेकिन ये वाई बहुत छोटा होता है, हल्का हल्का डिस्प्लेसमेंट होती है। तो रूल नंबर वन, मान लो आपने इसको वाई नीचे पुश किया तो चेंज इन वॉल्यूम आपने एयर का कितना किया ए इंटू वाई। एप्लीकेशन ऑफ बल्क मॉडुलस है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बल्क मॉडुलस किया था, क्या किया था माइनस पी बाय डेल्टा वी बाय वी। अब डेल्टा वी बाय वी में डेल्टा वी क्या है ए इंटू वाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई क्या है डेल्टा वी, डेल्टा वी को वी से डिवाइड किया तो ये स्ट्रेन आ गया। बल्क मॉडुलस में डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू को यहां पुट किया, रीअरेंज किया तो क्या आ गया बल्क मॉडुलस, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर आ गया। एयर के प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि एयर के प्रेशर ही बॉल को पुश कर रहा है। तो जैसे ही पी को ये यहां से यहां पुट किया तो क्या आ गई रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ने किसको उठा के ऊपर फेंका बॉल को, तो फोर्स इज मास इनटू बॉल का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से कंपेयर करो, मास नीचे आ गया, ए प्रोपोर्शनल टू वाई विद नेगेटिव साइन, तो SHM हो गया। SHM में ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, SHM की इक्वेशन लिखी, ओमेगा निकाल लिया कंपेयर करके, ओमेगा 2 पाई बाय टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया टाइम पीरियड निकाल लिया। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई उस बॉल की जो नेक में फंस गई है एक बॉटल के। अब अगर आपने इस प्रोसेस को एयर को कंप्रेस किया आपने दबाया, तो अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल कंडीशन पे है तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया था, बल्क मॉडुलस की वैल्यू आइसोथर्मल कंडीशन पे क्या होती है पी, तो आप बी की जगह पी पुट कर देना, और एडियाबेटिक में कंडीशन क्या होती है गामा पी, तो आप बल्क मॉडुलस की जगह गामा पी पुट कर देना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टाइम पीरियड इन बोथ कंडीशंस।